यहाँ पर बिहार में अभी तक किसी स्कूल में टीवी नहीं लगा, नहीं लगा है और आपके यहाँ लग गया है। आप घर छोड़ के भागोगे ना स्कूल, लाओगे ना स्कूल में, स्कूल छोड़ के जो आपस में ये सारे ज्ञान करते हैं कि सूरज हमेशा पूरा नहीं होता है और पश्चिम में अस्त होता है। तारे सब वही है हमारे गुरु। दोस्तों हम जानते हैं कि आसमान में ढेर सारे तारे हैं, कुछ तारे चमकते हैं और कुछ चमकते हैं। अरुण यानी यूरेनस और वरुण यानी नेपच्यून संभव है क्योंकि सिर्फ यहीं पर जल और ऑक्सीजन उपलब्ध है। दूसरे ग्रहों पर जल और ऑक्सीजन होने का कोई सुराग नहीं मिला है। चंद्रमा पर प्रथम मनुष्य नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले मनुष्य थे। वे चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को पहुंचे। उसके बाद सर आपसे यहाँ प्रश्न पूछेंगे, वीडियो दिखाने के बाद फिर सर पूछेंगे जैसे प्रमुख जंगली जानवर को पहचानना कैसे, इसमें इस चीज पढ़ाया जाए। अभी जो आप वीडियो देखे सर मंडल के बारे में देखे थे ना, तो सूर्य क्या था, एक मतलब अलग अलग गैसों से बना हुआ एक आग जैसा गोला नहीं। अच्छा पृथ्वी को छोड़ के हम अलग नहीं रह सकते हैं, क्यों नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुकूल वहाँ पर कोई चीजें नहीं है, जैसे हमको हवा चाहिए जल चाहिए नहीं, तो सब चीज बताएगा ना उसमें, उसको पूरा अच्छा से सुनना, यही चीजें पढ़िएगा ना आज, बेहतर तरीके से आप पढ़िएगा सीखिएगा तो आगे जितने ऊंचे क्लास में आप जाते रहिएगा सब में आसान होते जाएगा आपका सब्जेक्ट। आज अगर आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा नहीं समझिएगा नहीं सीखिएगा तो ऊपर के क्लास में जाते जाते सब कुछ कठिन होते चला जाएगा और आपका मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो बड़ा शांति से जैसे अभी आप पूरी शांति से सुन रहे थे देख रहे थे वीडियो को उसी तरह देखना है। फिर सर जो जो सवाल आपसे पूछेंगे उसका जवाब देना है, नहीं समझ में आया फिर सर से पूछ लेना है। हो सकता है कि उस वीडियो में कोई ऐसा शब्द बोला जाएगा जो आपको समझ में नहीं आया, नहीं तो पूछना है। अभी कहा था ना कि आकाश में जो तारे दिखते हैं नहीं, तो उसी तरह सूर्य भी है, उसने बताया जा रहा था। और सूर्य जो अच्छा पृथ्वी, पृथ्वी के बारे में बताया गया, पृथ्वी पर ही हम लोग रह सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे अनुकूल सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है नहीं। तो पूरे सौरमंडल के बारे में या कोई भी चीज के बारे में पढ़ाया जाएगा तो वीडियो में सब कुछ आप लोग को अवेलेबल होगा, मैंने उपलब्ध है वीडियो से फोटो से सब कुछ दिखाया जाएगा और एकदम महसूस होगा कि भाई एकदम सच में हम देख रहे हैं। जब यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा सजीव निर्जीव उसमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ाया जाएगा तो सब कुछ इसमें दिखाया जाएगा। यहाँ से गोल घर देखे हो तुम लोग, किताब में देखा होगा, पटना नहीं गए हो गोल घर नहीं देखे हो, तो सब कुछ इसमें दिखाई देगा कि कैसे है पटना। को नहीं देखने दिया ऐसा सुनता ही हो, उसी तरह सब कुछ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और अच्छे से पढ़िए, हमको लगता है कि कल से और बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए यहाँ पर, सबको कहिएगा ना, एकदम डिजिटल क्लास है, ऐसा क्लास है टीवी पर एकदम देखोगे। यहाँ पर बिहार में अभी तक किसी स्कूल में नहीं लगा और आपके यहाँ लग गया है, क्योंकि ये कोई सरकार की योजना नहीं है बाबू, इसलिए नहीं लगा, सरकार की योजना होती तो लगता, ये अपना पर्सनल योजना है हमारा जिसे हम लगाए हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अगर इससे बेहतर कुछ मिलेगा आउटपुट कि आप लोग सच में पढ़ पाइए। चला कहाँ देख रहा हूं, तो जब आप सुनो इधर, तो जब आप लोग अच्छा से पढ़िएगा तो हम कोशिश करेंगे कि और बेहतर बेहतर चीज आप लोग के लिए हम स्कूल में लाएंगे। तो जब हम अगली बार आएंगे तो जो जो टॉपिक आप पढ़े हुए रहिएगा बदलाव आएगा। जैसे आपने वीडियो में अभी देखा तो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि समझाया जा रहा था इस वीडियो के माध्यम से, नहीं जैसे अभी बच्चों ने सीखा कि सूर्य एक तारा है, सिखा ना जी, सूर्य क्या है, तारा है, यह बात सीखा। इसके लिए थोड़ा सा इसको रटना पड़ता है और देखने के बाद है कि समझ में आ गया कि सूर्य एक। घर में तो मम्मी पापा मोबाइल की देते नहीं होंगे, मारते होंगे मोबाइल लेता होगा तब,
ना टीवी देख लेते हैं या टीवी पर पढ़ाई होता है, तब घर छोड़ के भागोगे ना स्कूल, आओगे ना स्कूल में, स्कूल छोड़ के घर भागोगे, किसको छोड़ना है, किधर भागना है, घर छोड़ के स्कूल में आना है, नहीं पक्का बोली ना, चलिए सबको कहिएगा अपने साथी सबको कि आप स्कूल में जो है एकदम टीवी पर